खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत गुलाई में लाखों की संख्या में अफीम के पौधे सहित डोंडावा 250 ग्राम अफीम जब्त की गई। आदिवासी विकास खंड खालवा मुख्यालय के ग्राम गुलाई माल में आरोपी रमेश पिता शंकरलाल के खेत से अफीम के पौधे 125 किलोग्राम सहित अफीम के डोंडे 45 किलो, वहीं विश्राम पिता मोतीलाल निवासी गुलाई माल के खेत से 200 किलोग्राम अफीम के पौधे खालवा थाने के द्वारा जब्त किए गए। आरोपी बसंतीलाल पिता हेमा दायमा, वकील पिता दीपक चावड़ा, दोनों ही निवासी जिला नीमच के पास से 250 ग्राम अफीम जब्त की गई। वहीं संबंध में खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ के लिए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। हरसूद SDOP रविंद्र वासकली के मार्गदर्शन में थाना खालवा प्रभारी निरीक्षक गणपत कनेल व उनकी टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर NDPS एक्ट की कार्रवाई कर विवेचना में लिया गया है। इसको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दो जगह पे गांजे और अफीम जैसे पौधों की खेती की जा रही है और इसके संबंध में जब सूचना वगैरह थोड़ी किया गया, सुदृढ़ किया गया, तो उसमें थाना खालवा के सुंदरदेव गुलाई माल क्षेत्र में हमको जानकारी मिली कि उधर अफीम की खेती कुछ क्षेत्र में बचा के छिपा के किया जा रहा था और जिसके आधार पे वहाँ पे मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। और उसके बाद फिर हमें एक जो अफीम की खेती करने वाला ग्रुप है उसको पकड़ने में हमको सफलता मिली है। इसमें जो मेन जो दो आरोपी हैं ये वकील पिता दीपा चावड़ा और बसंती लाल पिता हेमा बंजारा, ये दोनों जिला नीमच के निवासी हैं और इन्होंने यहाँ पे जो गुलाई के निवासी विश्राम और रमेश, इनको अपने खेत में अफीम की खेती करने के लिए बताया था, उससे जो फायदा होगा उसके बारे में विषय में बताया था और जिसके आधार पे जब इनको पकड़ा गया इन चारों को, तो इनके पास से करीब जो अफीम के पौधे हैं उसकी जो वजन है 325 किलोग्राम है, अफीम डोडा हमको 45 किलोग्राम मिला है, अफीम जो है वो 250 ग्राम मिली है और एक प्लैटिना मोटरसाइकिल उसमें हमने जब्त किया है। तो टोटल मशरूका इसमें 8,27,000 रुपये का मशरूका इसमें जब्त किया है और इसमें हमने 8/18 NDPS एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज करके इसमें विवेचना की जा रही है। चूंकि आज ही अभी ये पूरी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कब से इन्होंने प्लान बनाया था, क्या प्लान बनाया था और आगे जो अफीम का डोडा और जो अफीम का बाकी प्रोडक्शन है उसको कैसे ये डिस्पोज करने के लिए है, कहाँ पे उसको खपाने के लिए इनका प्लान बनने वाला था, तो वो सारी चीजें अभी पूछताछ में इनसे पता चलेगा और कुछ और लिंक आता है तो उसके आधार। खालवा से मुकेश जाधव की रिपोर्ट।